आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है हमारा 16 मार्च को कक्षा 11वीं का बायोलॉजी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही दो अंकीय महत्व प्रश्न बता दिए। दो वीडियो में वीडियो आई है, ओके दो वीडियो है दो अंकीय वाली प्रश्नों की, दोनों देख लीजिएगा तो आपके दो अंकीय महत्व प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ओके आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्या सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं, सो वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके और क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11th बायोलॉजी वार्षिक परीक्षा बॉडी क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ओके देख लेते हैं सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ओके तो वस्तुनिष्ठ की सीरीज में आपका पार्ट एक है, अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए परिश्रम का फल क्या है, सफलता ही है। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है नामकरण की सबसे छोटी इकाई है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जाति, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके जाति आपका क्या है नामकरण की सबसे छोटी इकाई है, अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है किन पत्तियों की निचली सतह पर रंधों की संख्या अधिक होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पृष्ठधारी जो आपकी पत्तियां होती हैं इनमें निचली जो सतह होती है रंधों की संख्या अधिक होती है। नेक्स्ट उत्सर्जी पदार्थों की दृष्टि से मेढ़क होता है तो मेढ़क क्या होता है आपका यूरोटेलिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद होता है आपका 3-फॉस्फोग्लिसरॉल अम्ल, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं तो इसका राइट आंसर वृक्ष गुहा में होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और हमेशा ये प्रीवियस ईयर में आता है, अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा मतलब प्रीवियस ईयर कई बार आ चुका है तो याद रखिएगा ओके क्योंकि आगे आ सकता है। नेक्स्ट हमारा मनुष्य के शरीर में रुधिर बैंक है तो हमारा जो प्लीहा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा बैक्टीरिया दूध से दही में बनाने के लिए उत्तरदायी है तो इसका आपको पता ही है लैक्टोबैसिलस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जड़ विकसित होती है तो जड़ विकसित होती है आपकी मूलाकुर से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मेढक किस वर्ग से संबंधित है तो एम्बिफिया, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एकदम जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सिलेक्टेड सिलेक्टेड बताते जा रहा हूँ वस्तुनिष्ठ। ओके तो वीडियो देखते ही देखते क्या है सभी आपको याद करते जाइएगा। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम है तो इसका राइट आंसर लाल प्रकाश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मछलियों में श्वसन किस संरचना के द्वारा होता है तो गिल्स द्वारा होता है। ओके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टी लिम्फोसाइट्स का परिपक्व होता है, इसका राइट आंसर आपका थाइमस में। ओके नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं अब रेगिस्तानों की पूर्ति। ओके दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लास, सबसे पहले आपको आपको अपना चैनल मिल जाएगा, 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। रेगिस्तानों की पूर्ति देख ले तो पहला हमारा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की विविधता ही डेडेडेस कहलाती है तो जैव विविधता कहलाती है। नेक्स्ट है पौधों में भोजन का परिवहन डेडेडेस के द्वारा होता है तो फ्लोएम के द्वारा, अक्सर ये क्या है रेगिस्तान में आता है, अच्छे से याद रखिएगा कि पौधों में का भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है आपका क्या है फ्लोएम के द्वारा होता है। ओके और आपका जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, याद रखिएगा और साथ ही फ्लोएम जाइलम में अंतर भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आत्महत्या की शैली डेडेडेस कोशिकांग को कहते हैं तो लाइसिसम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंज आंतरिक संरचना डेडेड पौधों में पाई जाती है तो पौधों में पाई जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य का समान रक्तदाब MMSG होता है तो 120 से और क्या है अपॉन 80 मतलब ओके ये होता है आपका। नेक्स्ट हमारा मेल्फी फीपी नलिकाओं द्वारा डेडेस में उत्सर्जन होता है कीटों में, इसका राइट आंसर हो जाए। इसे क्या कार होते हैं मेल्फी नलिका के, मैं आपको दो अंगे पढ़ाए थे तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सभी एक कोशिके एवं यूकेरियोटिक जीवों को डेडेस जगत में रखा गया है, प्रोस्टिस्टा जगत में रखा गया है। जैसे श्वसन मूल डेडेस में पाई जाती है तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा राइजोफोरस, का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है रक्षक कोशिकाएं डेडेस में पाई जाती हैं तो रक्षक कोशिकाएं हमारे रंधों में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल निर्माण के लिए डेडेस आवश्यक है तो मैग्नीशियम का आवश्यक हो गए तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम का आपका जुड़ा होता है। अक्सर ये अलग जो क्वेश्चन है जोड़ी में अक्सर आता है, एक साइड आपको क्लोरोफिल रहेगा एक साइड आपका MG आता है, इस प्रकार से पीवीसी पर में आ चुका है। ओके नेक्स्ट हमारा रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है तो 90% क्या है जल होता है। ओके मानव का उत्सर्जी पदार्थ हो तो हमारा यूरिया है। ओके इस प्रकार से कंप्लीट होता है, आप देख लेते हैं हम 277। ओके आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं अभी तक दोस्तों हमने कहा क्लास 11th के बायोलॉजी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोर्स में दोस्तों आपको दो अंक की तीन अंक की चार अंक की महत्व प्रश्न वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे, साथ ही आपको ऑल चैप्टर डिटेल से आपको नोट्स दिए जाएंगे। ओके इंपॉर्टेंट आपको डायग्राम आपको रहेगा। ओके तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 43 45 84 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है, फीस 199 रुपये 50% ऑफ चला, केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको बायोलॉजी का कोर्स दिया जा रहा है, पीडीएफ के रूम में रहेगा तो कम समय में आप तैयारी कर पाएंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 77 पहला हमारा जगत यानी किंगडम
बैगरीकरण का सबसे बड़ा वर्गक है, तो ये आपका सही हो जाएगा सत्य। ओके, नेक्स्ट हमारा ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय में होता है कूट फल कहलाते हैं, तो हमारे क्या असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन, मृत दूत पौधों का कठोर भागों में पाया जाता है, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, सभी एंजाइमों का निर्माण प्रोटीन से होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, तो यहाँ ये वाले में आपको क्या है, सत्य फल असत्य फल दोनों आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान 1 से अधिक होता है, तो ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य में 11 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषी पौधों का सबसे बड़ा समूह शैवाल है, सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, टैडपोल क्लोमो द्वारा श्वसन करता है, तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, तो ये हमारा क्या है सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, किण्वन एक प्रकार का अक्षी श्वसन है, तो आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि अनक्षी श्वसन हो गए। नेक्स्ट है, मनुष्य में यकृत सहायक उत्सर्जी अंग का कार्य करता है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, रेडियस अस्थि पश्च पाद में पाई जाती है, तो हमारा ये असत्य हो जाएगा। ओके, अब लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां किस प्रकार से दी हुई है। ओके, तो ये हमारी इस प्रकार से है सही जोड़ियां, पहले हमारा माइसीलियस, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आपका कवक का शरीर। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आलू, आलू हमारा सोलोनेसी कुल का है। ओके, नेक्स्ट हमारा दोस्तों ऑक्सिन, तो ऑक्सिन दोस्तों हमारा हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, ऑक्सिन हमारा क्या है एक वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट हमारा यकृत, तो यकृत दोस्तों हमारा सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा थायराइड ग्रंथि, तो हमारा ये क्या है द्विपौलिस पौलित ग्रंथि है। ओके, ये हो जाएगा दोस्तों आपका पाँचवा कंप्लीट हुआ था। आगे नेक्स्ट सही जोड़ी देख लेते हैं, नेक्स्ट सही जोड़ी इस प्रकार से दी है, पहले है झींगा, झींगा का दोस्तों हमारा हो जाएगा ग्रीन ग्रंथि हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा बढ़ती काग, तो बढ़ती काग हो जाएगा आपका जायांग। नेक्स्ट आपका सेल्यूलॉज, सेल्यूलॉज हो जाएगा दोस्तों आपका पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट दोस्तों हमारा एब्सिसिक अम्ल, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा वृद्धि रोधक हार्मोन, मतलब वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन है ये आपका एब्सिसिक अम्ल। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा आपका चौथा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा जैकोब्स अंग, अंग ये हमारा हो जाएगा दोस्तों गंध। ओके, तो हो जाएगा पाँचवा कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते, अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ओके, पहला है दोस्तों हमारा कैनाल तंत्र किस संघ की विशेषता है, पोरी फेरा जो संघ है उसकी आपकी विशेषता है कैनाल तंत्र। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पत्रे में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है, तो समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट है, देहत कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहाँ पाए जाते हैं, तो ग्रेना में पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, पेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा का नाम लिखिए, तो वह एस्टेन एवा मायोसिन, इसका का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, पक्षियों का हृदय कितनी कच्ची होता है, तो पक्षियों का हृदय क्या है 4 कच्ची होता है। ओके, नेक्स्ट है, मटर का वास्तविक नाम है, तो मटर का वास्तविक नाम है आपका पाइसम सेटा युवम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, किस हार्मोन को तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो एब्सेस हार्मोन को क्या है तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, एंड्रिल ग्रंथि में स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए, तो आपका स्टेरॉयड हार्मोन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है सिलेक्टेड आपको क्या है क्लास 11 के बायोलॉजी के वस्तुनिष्ठ बताए होंगे, और भी आपके वस्तुनिष्ठ हैं तो उन्हें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। ओके, क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11 बायोलॉजी वार्षिक परीक्षा में पढ़े क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर लीजिएगा। इससे पहले 2 अंक की बात आ चुका हूं, उन्हें भी याद कर लीजिएगा। आगे 3 अंक की 4 अंक भी मैं बता दूंगा, सिलेक्टेड आपको क्या है डायग्राम भी आपको बता दूंगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।